हमने सोच रखा था ब्लॉग बनाएंगे हम। फाड़ने का इसका कोई साधन नहीं है तो इसको हम आर पर धके और इसको हाथ से दबते हैं ताकि फाट जाए। ओ फट गया। तो खेत में इसी तरह से खाया जाता है। कैसा बा खरबूजा बाबा? यहाँ पर देखिए तीन तीन के एक जगह फरा हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और जा रहा हूँ आज खरबूजा के खेत में खरबूजा लाने के लिए। वहाँ पर जो खरबूजा होता है ना, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया हूँ, ठीक है, तो वहीं खरबूजा लाने जा रहा हूँ आज खेत में, क्योंकि बहुत ही मजा आएगा और किस तरह से खरबूजा फरता है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और कुछ खरबूजा भी हमको खरीदना है, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक साइकिल वाला ब्लॉगर हूँ तो हमेशा साइकिल से ही ब्लॉग शूट करता हूँ, ठीक है। कितना रोड साइड का नज़ारा एकदम जबरदस्त है, एकदम शांति माहौल है, आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे न करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, क्या बात है गाइस, इसके बारे में हम लोग को सब सोचना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है गाइस, इसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। तो गाइस फाइनली आ गए खरबूजा के खेत में, तो साइकिल को मैं खेत में हिला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा खरबूजा खेत में रोपा गया है और इधर बहुत सारा खरबूजा रोपा गया है और मैं साइकिल को खेत में इसमें हिला दिया हूँ खेते में। और उधर भी देख सकते हैं छोटा छोटा आप लोगों घर दिखाई दे रहा होगा, मड़ई, उसमें लोग रहते हैं, ताकि ओढ़ना भी तो जरूरी है ना, तो सब लेकर भाग जाएगा दूसरा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं खरबूजा है सब, यहाँ पर देख सकते हैं कितना लंबा पाइप बिछाया गया है और बहुत दूर तक मतलब पानी पट रहा है यहाँ पर, और पीछे जो है एकदम मोटर है लाइन पर, इस तरह से कैसे और इस तरह से कैसे लोग जुगाड़ कर एकदम तार ले जा रहे हैं खंभा में गाड़ गाड़ के, दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस इधर देख सकते हैं पूरा चारों ओर एकदम खेत में खरबूजा ही खरबूजा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना गोल गोल एकदम खेत में है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पूरा खरबूजा फरा हुआ है। तो खरबूजा खूब फरता है और इसका पानी की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। यहाँ पर देखिए कितना लाइन सबको दिखाई दे रहा होगा, क्या मज़ा आ रहा है। यहाँ पर खरबूजा ये भी है, यहाँ पर देखिए तीन तीन के एक जगह फरा हुआ है। तो गाइस अभी क्या हो रहा है, इसका सीजन जो अभी ऑफ हो रहा है, इसीलिए इसका पत्ता जो है सब सूख गया है और जो खरबूजा बचा हुआ है अब इसको टूट टूट कर बेचा जा रहा है। तो इसी मड़ई में लोग रहते हैं यहाँ पर और बैठ के दिन रात अगड़ते हैं। देख सकते हैं कि एकदम कितना मस्त मड़ई है, राम मड़ई है, और इसमें अंदर खरबूजा रखे हैं। तो चल कर वेट करते हैं। कैसे बा खरबूजा बाबा? कैसे बा खरबूजा? हाँ रवि भाई ने मालिक खेत के कारो पता नहीं। हाँ अच्छा जरिया जरिया था, अरे कौन खा रहा है? सही बात बा, तभी खाद देवल जरूरी बा एकदम। कितना अच्छा सब फूल फूलेगा, अभी तो शुरू होता है, मैं भाती लगाओ कहाँ भूगे। अभी एक हमें सभी पहचान हो नहीं क्या? ननू ना अभी ये कौन है क्या? खाली पुनी जगह का दबा देना। हाँ हाँ नहीं तब लगता है। सही बात बा, लगातार तीन चार दिन मुनिया पर वाला दिक्कत कर रहा हूँ। हाँ ओकर से सब पति जर गया, कितना छोटा छोटा भाती बा। वैसे तो एकदम पियर भी एकदम पक गई तब ना टूट जाता भूस भूस। तो गाइज यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज बाबा एक हमको खरबूजा भी दिए हैं खाने के लिए, खेत में कहीं फायदा होता है, बोले कि खाइए और टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है, तो मैं इसको खा कर टेस्ट करता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर किसान जो है बहुत दयालु होते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं मार्केट में खरीदने जाइए तो 10-20 रुपये से कम नहीं मिलेगा, लेकिन हम खेत में अभी आए हैं तो खाने के लिए दे दिए हैं, ठीक है। तो फाड़ने का इसका कोई साधन नहीं है तो इसको हम आर पर धके और इसको हाथ से दबते हैं ताकि फाट जाए। ओ फट गया, इसको छुरी से फाड़ना चाहिए लेकिन खेत में तो ये सब चीज़ मिलता नहीं है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फट गया और इसका मैं बिया निकाल कर फेंक देता हूँ। ओके तो गाइस खा कर टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा है। तो खेत में इसी तरह से खाया जाता है, हर पर एकदम छिल छल के खाइएगा। एक नज़र ध्यान से देखिए कितना दूर लगा हुआ है खरबूजा, जितना एकदम सूखा हुआ पत्ती दिखाई दे रहा है, मोटर उधर दिखाई दे रहा है, उधर मंदिर दिखाई दे रहा है, और इधर बाल्टी उल्टी रखा गया है पानी में जिसमें धोया जाता है। तो कुछ नज़ारा इस तरह से है, लाइन पर होता ना पानी ना, बढ़िया पे पटाता था, कौ दिन में पटा थे। ओ तो ये है गाइस मोटर जो कि लाइन पर चलता है और इसी से पूरा पटवन इधर होता है, और देख सकते हैं पूरा लंबा लंबा पाइप यहाँ पर बिछाया गया है,
और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा एकदम लाल हो गया है पक कर और ख़राब भी हो गया है, तो खेत में बर्बाद भी होता है और आबाद भी होता है। देख सकते हैं गमछे में पूरा बटोर रहे हैं। तो गाइस फाइनली 5 किलो खरबूजा ले लिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खरबूजा 5 किलो है। तो अब चलते हैं घर पर। ओके, तो हमने सोच रखा था ब्लॉग बनाएंगे हम। तो गाइस आ गए हैं घर पर। तो गाइस भूख लग गया है, थोड़ा सा खा लेते हैं खाना। यहाँ पर एकदम मस्त चावल और लौका का सब्जी बना है जो कि हेल्थी रहता ही है, ठीक है। इस ब्लॉग में पूरा कोशिश किया आपको दिखाने का किस तरह से खरबूजा लगता है, किस तरह से खेतों में फड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्षेत्र में खरबूजा होता है और देखो कि किसान इस और देखो कि किसान इसमें कितना मेहनत कर रहे हैं और अभी भी धूप में मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम खरबूजा को सस्ते में मिल जाता है। सस्ते का मतलब जिस क्षेत्र में जो चीज़ होता है सस्ते मिलता है। तो 80 रुपये 5 किलो मिल गया है। आप कमेंट करके बताइए आपके क्षेत्र में मतलब आपके बाजार में कैसे किलो मिल रहा है खरबूजा। ओके, तो इसी तरह के ब्लॉग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे ब्लॉग में 100% रियल इमेज 100% रियल ब्लॉग होता है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।